हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल द राइडर राजीव। तो गाइस, आपके भाई को रखिए ड्यूटी में छुट्टी, एंड अभी चलते हैं फुल पावर के साथ घूमने फिरने, क्योंकि यार ड्यूटी में पूरा दिन दिमाग खराब रहता है एंड पूरी टेंशन रखती है। तो अभी टेंशन फ्री हो रखा आपका भाई, एंड बाइक को फुल थ्रॉटल के साथ भाएंगे भाई। हर बार यार जुगाड़ करना मैं भूल जाता हूँ माइक का, क्योंकि माइक की बहुत ही दिक्कत आती है मेरे को। जब भी 80 की स्पीड में भागता हूँ ना, तो खड़खड़ की आवाज़ आती है माइक में, तो मैं फिर भूल गया। अब तो याद रखूँगा, जब भी ब्लॉग शूट करके रूम पे जाऊँगा तो 100% इसमें अच्छा सा कॉटन वगैरह लपेट के इसको सेट कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया नहीं कि मैं जा रहा हूँ अभी सौरभ वन विहार घूमने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रखा है मेरे को वहाँ गए हुए, एंड ड्यूटी ऑफ हुई तो मैंने सोचा वहाँ घूम फिर लेते हैं। एंड एक ही बात की टेंशन रखी मेरे को, वो है बारिश। बड़े वाला बैग जो वो कमरे में छूट गया है, और मैं छोटे वाले बैग को लेके आ गया यार साथ में, बताओ। रेनकोट वगैरह तो है नहीं, बट अब मैं वापस ही जाऊंगा यार। चलो सीधा चलते हैं सौरभ वन विहार। एंड भाई साहब, यहाँ तक तो बाइक को खींच रहा हूँ, बट आगे नहीं खींचूंगा, क्योंकि आगे पुलिस वाले होते, ट्रैफिक वाले, एंड रोड बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। एंड देखूंगा कि कहीं पुलिस वाले तो नहीं खड़े, तो ही बाइक को भगाऊंगा। ऐसे नॉर्मली 50-60 की स्पीड पर चला रहूँगा। अंकल जी, ओ भाई, वो थोड़ा देर रखा बाइक को, बाइक को करते हैं स्लो स्लो स्लो। गलत जगह गाड़ी खड़ी दी भाई साहब ने। पिछली बार यार मेरे को यहाँ पे पुलिस वाले मिल गए थे, बट भाई साहब ने मेरे को रोका नहीं, और मैं तो चाहता यार रोके मेरे को। एंड भाई साहब यार इंडिकेटर तो दे लो, बताया तो इंडिकेटर चल रहे हैं, बताओ। भाई साहब को देखो यार, स्प्लेंडर वाले भाई साहब, तो यार क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों से डर ही लगता है यार मेरे को। पीछे जाता हूँ उनसे। भाई देख ले यार कितना रोड कंजेस्टेड है, फिर भाई साहब ओवरटेक करने लगे, बताओ। लग रखी है रेस स्प्लेंडर वर्सेस NS 160, एंड इन भाई साहब के आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को वीडियो शूट करनी होती है ऐसी छपरी राइडर की। एंड देखो भाई साहब ने लगा दी ब्रेक, जा भाई जा आगे, नहीं जाऊंगा मैं तेरे पीछे। बाइक को कर लेते हैं हम न्यूट्रल, एंड भाई साहब को जाने देते हैं। व्यू चेक करो गाइस यहाँ से, एंड जो बड़े बड़े पत्थर कैसे वाइट वाइट दिखा दे रहे हैं, पूरा वाइट ही वाइट दिखा रहे हैं, बताओ। आज मैं सोचा हूँ कि इस लोहे के ब्रिज पे जाएंगे और वहाँ पे वीडियो वगैरह शूट करते हैं, क्योंकि हर बार मैं वीडियो जो है यहीं पर शूट करता था इस ब्रिज पर, बट नहीं आज जाएंगे नीचे थोड़ा। यहाँ पे ठीक रहेगा बाइक खड़ी करना, क्योंकि थोड़ा सेफ भी है। तो फिलहाल बाइक को यहाँ पे कर दिया हमने खड़ा, एंड वहाँ पे चलते सीधा, क्योंकि वहाँ का एरिया मेरे को मस्त लगता है। एंड ब्रिज भी है वो पुराने वाला है, एंड वो है नया। ज़्यादातर जो लोग यहीं पे घूमते हैं यहीं पे फोटो वगैरह शूट करते हैं। इस ब्रिज की खासियत बात यह है कि यह पूरा लोहे का बना है, और इसको झूला ब्रिज भी बोलते हैं। एंड बच्चे तो काफ़ी डरते हैं यहाँ से, क्योंकि एक तो हाइट भी काफ़ी है, और ऊपर से झूला ब्रिज है, पूरा झूलता है ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट होता रहता है। कितना प्यारा व्यू यार देखो, एंड कितनी साउंड आ रही है पानी की, और इन रस्सी की बात करो देखो कितने मोटे मोटे रस्सियाँ, देखो मेरे हाथ में नहीं आ रहे हैं, देखो कितना गैप बढ़ जा रहा है पीछे, कितने मोटे मोटे रस्सियाँ यार। और ये जो रस्सी है लोहे की, ये कितनी रस्सियों को मिला के एक बना रखी है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 रस्सी लगा रखी है, देखो 4 यहाँ पे हैं एंड 4 वहाँ पे हैं,
रात का जो नज़ारा होता है कसम से यार बहुत ही प्यारा होता है, क्योंकि इस ब्रिज पे लाइटें वगैरह लगा रखी हैं, तो शायद आपको कैमरे में दिख रहा होगा सामने रंग बिरंगी यहाँ पे लाइटें लगा रखी हैं, एक वो रही एक वो, ऐसे लंबी करके लाइनें लगा रखी हैं लाइटों की, और इस तरफ भी लगा रखी है, और जब भी रोशनी ऐसे खड़े होकर पड़ती है तो ब्रिज का पूरा चेहरा चला उठता है। इंजीनियर ने भी क्या कलाकारी की है, देखो गाइस जो रस्सियाँ वो उनको ये पहाड़ जो इसको काट के बीच में देखो होल बनाए हुए हैं, एंड उसको नीचे लेके गए तारों को, और फिर अंदर जुगाड़ कुछ बनाया हुआ है, वहाँ भी इन तारों को टाइट किया हुआ है, तो देखो कैसे इस पहाड़ को काट के यार रस्सियाँ टाइट की हुई हैं, एंड रस्सियाँ सामने से होती हुई वो नीचे जाके फिर दूसरा जो पिलर है वहाँ पर अटैच की हुई हैं। देखो थोड़ा बहुत घूम लिया मैं यहाँ पर, एंड काफ़ी टाइम बिताया यहाँ पर, और अभी चलते इसे था विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि तूफान काफ़ी चल पड़ा है, हवा आ रही है और बारिश का सीन लग रहा है मेरे को, तो बारिश ना पड़ जाएगा यार। एंड झंडे को देखो कैसे झूल रहा है, देखो हवा से झंडे को देख के लग रहा है कि कितनी हवा लगी हुई है यहाँ पे। पहले तो मैं गढ़वाली माता को जा रहा था क्योंकि वहाँ पे लग रखे है बार, और आज मंगलवार है तो वहाँ पे बहुत बड़ा बार होता है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा मेला था और आज लास्ट मेला था वहाँ पे। फिर मैंने सोचा वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही सारा होगा, प्रोड से होते हुए मेरे को जाना पड़ेगा, एंड पता नहीं कितना लंबा जाम लगा होगा, इसलिए फिर मैं गया नहीं वहाँ पे, और आते आते मेरे को हो जाता अंधेरा, इसलिए वहाँ की राइड कर दी मैंने कैंसिल और सीधा चलाया सौरभ बन बिहार। तो अभी घर वाले को भी कॉल करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उनको बोल रखा था कि मैं आऊँगा रात को, बट उनको अब बोल दूंगा कि खाना वगैरह मत बनाना, हमने रास्ता कर दिया चेंज, तो घूघर से होते हुए चलते हैं। पहले आए थे हम सुभाष चौक होते हुए, एंड सेफली से चलेंगे। क्या कर रहा यार, डांस तो देखो यार, ऐसे मैं बताओ कैसे चला हुआ है, और उल्टा मेरे को बता रहा है यहाँ से चलो तोड़ू नहीं का। तो काफ़ी टाइम के बाद आए हूँ विशाल मेगा मार्ट, तो पार्किंग मेरे को लग रहा है इन्होंने चेंज कर दी। अंदर तो काफ़ी अंधेरा लग रहा है यार मेरे को, लाइट ऑन कर लेता हूँ। भाई सीन ऐसा कि मेरे साथ होने लगा था कि बहुत बड़ा स्कैम, विशाल मेगा मार्ट गया था अंदर, एंड मैंने पहले प्राइस चेक कर लिया कि ये प्राइस लिस्ट लगी हुई है, और जब मैंने उसका बिलिंग करने गया तो भाई साहब ने ओवर रेट लगा दिया उसका, जोड़ दिया, और मैं पीछे जब नीचे गया था तो मैंने पहले ही फ़ोन पे कैलकुलेटर करके सब कुछ जोड़ कर लिया था कि कितना बिल बनेगा। तो फिर मैनेजर से बात हुई तो मैनेजर भाई साहब बोल रहे कि जिन नया स्टॉक आ रखा है, जो नया स्टॉक आ रखा है तो पुराने वाले रेट क्यों लगा रखे हैं अपने, बंदा तो यही सोच के लेगा कि यही वाला रेट है, और जब ढेर सारा सामान लेके जाता है और बाद में जोड़ करता है तो कस्टमर तो देखता नहीं यार कि क्या प्राइस लगा क्या नहीं लगा, वो तो सीधे बिल लेता है और चला जाता है, क्योंकि वो सारे कितनी चीज़ें उठाता है, बहुत सारी चीज़ उठाता है, उसको याद नहीं रहता कि ये इतने का लिया मैंने इतने का लिया। अगर मैं कुछ नहीं बोलता फिर भाई साहब मेरे को वही वाला माल चेप देते, और क्या पता झूठ बोल रहे कि नया स्टॉक आ रखा जी। तो ठीक गाइस आज की ब्लॉग को हम यही करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑलवेज़।